किचन में, और यहाँ पर ना हम लोगों ने इसको बॉयल कर लिया, क्योंकि ये जो है ना ये बॉयल वाले थे, को तो चलाने वाले लेकिन ये बॉयल वाले थे, तो फिर भी मैं उसको एक दफ़ा दोबारा वॉश करके ठंडे पानी से, तो अभी मैं यहाँ पर रखती हूँ। चलो ने बनाई है चाय, उसको यहाँ शिफ्ट करती हूँ। देखते हैं कि क्या। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज ब्राउन कर रही हूँ, ये ब्राउन होते फिर हम अपना मसाला वगैरह ऐड करके इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस को जो है ना विंग्स पसंद है। सॉरी मुझे क्या कहते हैं इसको, मुझे एक ग्रीन लेन पर लगाई थी रात को, चेंज करेंगे। हाँ वो सर से लगवाऊंगी मैं, पाँव पर भी और हाथ पे भी, बड़े अच्छे कलर लेकर आए तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा फेशियल भी लेकर, शोर से फेशियल भी करवाऊंगी। और मुझे कौन करेगा, आपको भी करते हैं। तो बस प्याज ब्राउन होते हैं, फिर अपनी रेसिपी आगे स्टार्ट करते हैं, साथ ही बने रहिए। तो इस पर ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया ताकि जो उसकी स्मेल है ना खुदम हो जाए। थोड़ी देर के लिए ना, 5 मिनट के लिए मैं ऐसे रख लूँगी स्लो आंच पे, ताकि पूरा अंदर मसाला जो है ना अदरक लहसुन का एडजस्ट हो जाए। देखो अब मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैंने घर पे ही ग्राइंड करती हूँ, लहसुन वगैरह ला के दिया मम्मी ने, तो मैं घर पे ही ग्राइंड कर लेती हूँ। आप लोग सही बोल रहे थे कि घर पे ग्राइंड करो ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा ही बनता है। मैं एक लहसुन करती हूँ और एक अदरक होता है, हरी मिर्च, काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। ये देखो सारे मसाले वगैरह ला के दिए, फ्रेश करती हूँ मैं रोज। तो यहाँ पर ना ये हो गए, इसको मैं थोड़ा सा वो करके आपको बताया, अदरक लहसुन ला दी गई थी ताकि इसमें जो है ना खुशबू रच जाए इसकी। ये हम डालेंगे अंदर टोमेटो प्यूरी, और हम ना ऐसे ग्राइंड करके फिर ऐड करते हैं, है ना। ये क्या है, इतनी हुई हुई। ओ भाई ये वो तो बहुत ज्यादा हो गई है। लाल मिर्ची बस, मम्मी करेंगे अच्छे से मिक्स। खाना मेरा रेडी हो चुका है, और मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। मैंने क्या किया, मैंने टमाटर दो ग्राइंड करके ना तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। तो अभी जो ना जो मसाला था वो सारा सेट हो गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, और इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, क्योंकि हम लोगों ने ग्राइंड के टमाटर डाले थे, तो ग्रेवी भी बहुत बहुत मज़े की बनी है। अब इसको मैंने रखा हुआ स्लो पे 15-20 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है ना गल जाए। वैसे तो गल गया है, बिल्कुल स्लो आँच पर रख देते हैं। यहाँ पे कैश का भी खाना हो गया, तो उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। सो हेलो व्यूअर्स, तो अभी जाना मैंने खाना वाना बना लिया, और मेरी मैम की आ गई थी कॉल, वीडियो कॉल, तो मैं क्लास ले रही थी उनसे, आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ क्लास होने के बाद। और किस चीज़ से क्लास ले रही हूँ ये मैं आपको थोड़े दिनों में बताऊंगी, और हो सकता है मैं उनके साथ जाकर मीटअप करके। सिंपल सी बात है, इनकी जिम क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन वो वाली जिम नहीं, वेट जिम नहीं कर रही, योगा की मतलब वेट जिम नहीं कर रही, मशीन वाला जैसा होता है वो नहीं करेगी, नॉर्मली जैसे योगा रहता है और नेचुरल जो रहती है वो ज्यादा बेस्ट है। तो मैंने ये इनको बहुत टाइम से मैं बोल रहा था कि ऐसे ऐसे कर लो, अगर आपको शौक है तो, इनको शौक है, ऐसा नहीं कि कुछ कोई वजह है। तो मुझे बोल रहे हैं सही, तुझे मैम मिली क्योंकि मैं इतने टाइम से इनको बोलता था कि ऐसे होती नहीं, है ऐसे होती है। थोड़ी तो, स्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत अच्छी है, मतलब तो स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो आप करोगे कैसे। उसने क्या खाया है, उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स मुझे बताए, कह रही वो नहीं अभी तक लिए, बोले नेक्स्ट वीक तक ले लूंगी, तो बोले आप साथ साथ करो इनशाला। आपका तो इतना नहीं है वेट, लोगों को तो बहुत बहुत 100-100 kg वेट होता है, महीने में या 15 दिन में किया था हम लोगों ने, तो अगर वॉक भी इसके साथ करे तो कितनी जल्दी हो जाएगा। और
मैंने इनको बोला तो मैंने कहा वॉक अगेन, ये मतलब अपने डाइट प्लान से चल रही है अभी, तो ये मेरे ख्याल से कल से स्टार्ट हुई है इसकी क्लासेस, ऐसा मत आप समझना कि पता नहीं ये फिर, ऐसा नहीं है, अब प्रॉपरली इनके जो है इनको अच्छा लगेगा, इनको ये वाली क्लासेस ना फील अच्छी होंगी, उससे भी बेहतर है, इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर योगा करता है, कोई भी चीज़ करता है, तो उसकी जिस्म की थकावट टूटती है और वो इतना खुश होता है और नींद भी सुकून की आती है। हाँ, तो वो यही बोलती है जब आप ये किया करोगे ना, जैसे आप अभी लेट सोती हो करी, रूटीन भी आपकी सेट हो जाएगी, थक जाएगा ना जिस्म, थक जाता है इंसान, रिलैक्स अपने आप को फील कर जाता है, जब तक इंसान थकता नहीं है उसको रिलैक्स फील नहीं होता, बेचैनी सी रहती है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, कभी किया नहीं ना, वो भी हंस रही थी मैं देख देख के, कहती मेरे पास आना थोड़ी देर, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी, रहेगा जब मैं सिखाया करूंगी तो मैं उसे बताना है कैसे कर, तुम फौरन से खुद कर लिया करोगी, तो ऐसे है। वैसे आपको शौक है या कोई वजह है, क्या है? शौक भी यार एक वजह भी है, शौक है मुझे बहुत टाइम से, शादी से पहले भी मुझे बोलती मुझे जिम जाना, मैं मना करता था, मुझे बहुत शौक था क्योंकि मुझे पता था वेट वेट वाला ये काम नहीं कर सकते, इतना मुझे पता है। मैं शुरू से ही पतली थी, बस थोड़ा सा शादी से पहले टेंशन ऐसी आई लाइफ में, तो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो गया, वरना मेरा जो खुद का अपना पर्सनल वेट था मेरा 45 था, इतना ही होता है, मेरा कॉलेज के बाद थोड़ा इंक्रीज होने लगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो मैं आपको बेस्ट विशेस करना चाहूंगा आपकी सारी जर्नी के लिए, जो देते हैं वो मेरे हस्बैंड देते हैं, आप अच्छे से हर चीज कर सको, और वो ही ना साथ दे तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, लेकिन खुदा का शुक्र है दोस्तों की तरह अभी भी जब मैं करती हूँ, मुझे सिखा रहे थे ऐसे कर ऐसे कर, नहीं कल से मैं प्रॉपर, आप वो बताएगी ना मुझे क्या वैसे करवाऊँ, मैं आपको खुद पकड़ पकड़ के हर चीज करवाऊंगा कि कहाँ तक आपको कौन सी चीज करनी, कहाँ तक और कितने सेकंड तक रोकना, स्टे होल्ड भी करना होता अपने आपको, तो मैं सब बताऊंगा, तो आप लोग बताना कि इसकी ये क्लास आप लोग ज्वाइन कर, मतलब ज्वाइन नहीं मतलब देखना चाहते हो, तो फिर कभी दिखाएंगे, मैं मैम से भी मिलवाऊंगी, और फिर जिन्होंने मतलब अपना वेट लूज करना है बहुत अच्छे से करवाती है, इतना सिंपल डाइट देती है ना, और बहुत अच्छे से आपको सिखा, सर भी करना चाह रही है, वेट कम करो, जरूरी नहीं है कि इंसान ऐसे, लेकिन अपने अपने बॉडी को भी ना चेंजेस आने चाहिए, आपका वेट कम होता है ना, आप मेंटली भी रिलैक्स फील करते हो और बहुत से बीमारियों से भी इंसान बच जाता है। नहीं, मेरी एक मैं एक चीज जानता हूँ, जब मैं भी करता था जिम, और मैं एक चीज समझता था मैं दुनिया से अलग हूँ, सब लोगों से अलग हूँ, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज मेरी ये सारी चीजें, मुझे लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ, क्योंकि जब आप कुछ अलग करते हो तो आप सबसे अलग अपने आप को समझते हो, तो मेन चीज ये रहती है मेरे हिसाब से, अभी बाकी दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं किसी वजह से, कुछ लोग करते हैं कंपटीशन के लिए, कुछ लोग करते हैं किसी चीज़ के एक्टर वगैरह में होने के लिए बॉडी को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपने आप को बहुत अलग फील करता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो हम लोग ऐसे समझते रहे दुनिया से दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट है, ये चीज़ ऐसी है, तो फिर इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है बहुत ज़्यादा, और जैसे ये थोड़ी डेली है ना, मैं सच बता रहा हूँ, माइंड मत करना, मतलब ये थोड़ी इतना वो नहीं है, हर चीज़ फॉरन मतलब स्लो है, करती है लेकिन कर लेती, लेकिन क्या है कि स्लो है, अब ये चीज़ें ये करेगी ना, ये बोलेगी यार मैं कितना ढीलापन करती थी ना, अभी मुझे मना करते, अभी रहने था सेट हो जाए, मैंने कहा नहीं सेट तो कुछ मुझे करने दे यार, अभी के टाइम कितना निकला, अभी कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये कुछ सप्लीमेंट्स ले रही थी, वो मेडिसिन ले रही थी, दिखाई अपनी मेडिसिन, तो उसमें से एक दो उन्होंने बोला खाओ, और जो एक दो ने बोला वो कह रही है वो भी खाओ, इससे जो है ना कोई नुकसान दे नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी इससे सही हो जाएगी, और हम लोग ये देते हैं हमारे पास जितनी लड़की, लेकिन अभी इनको मैंने बोला कि अभी नहीं लेना वो सप्लीमेंट्स, थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि अभी तो उन्होंने अपने दूसरे जो था मेडिकल का था वो सारा हटाया, अभी तो दो दिन हुए वो छोड़ी, तो मैंने बोला वो बाद में लेना, कम से कम 5 दिन बाद जाके, और अभी अभी से मुझे तो कमज़ोर लग रही, बेबी ना कर तू चुई ना बन जाना घर पे, ये ना बाजी 20 दिन बाद महीने बाद देखने डोलेशे बनी हो, इतना सा मुंह लेके ना बेगम, इतना कमजोर नहीं होना भाई, मुझे तो ऐसे ही प्यारा लगता है, और ऐसे मैं चाहता तू स्ट्रांग हो, मैं कमजोर नहीं चाहता कि तू कमजोर हो, मैं चाहता स्ट्रांग हो बस, मतलब हर काम अच्छे से कर सके, मैं नहीं चाहता कि तू पतली हो या मुझे कोई, अजीब बात है यार तू कैसी बातें करती, मैं चाहता हूँ आप स्ट्रांग हो, अब हर एक चीज बोलो आपको मैं बोलूं बेबी ये सर करना, आप क्या चाहते हो सर से पूछो, करना चाहिए तो आप करूंगा? आपको पोमी सिखाएगी ठीक है, और पोमी आपसे फीस नहीं लिया करेगी, फिर मैं सिखाएगी ठीक है। चलिए अभी जो ना आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले ऐसे कैसे हो सकता कि मैं कुछ चीज बनाऊं और हस्बैंड ना चेक करें, आपसे कल अच्छे से व्लॉग करना, चैनल को करना लाइक सब्सक्राइब और शेयर, तब तक के लिए बाय।